एक ओर जहां कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा आधी रात को सड़कों पर निकलकर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण करते नजर आ रहे। आधी रात को जिलाधिकारी का काफिला सबसे पहले सदर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने अस्पताल के वार्ड में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही कोविड को लेकर उन्होंने लोगों से सरकार के बेसिक गाइडलाइन को फॉलो करने का अपील की है। जी इधर में हम लोग देख रहे हैं, पिछले दो दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई है, शीतलहरी का थोड़ा सिचुएशन आ चुकी है और इसमें जिला प्रशासन सरकार की तरफ से हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, बुजुर्ग महिला या कोई भी असहाय व्यक्ति जिनके पास कंबल नहीं है तो उनको दिया जाए। और आज हम लोग पूरे सहरसा में घूम रहे हैं, अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी ऐसे कोई व्यक्ति दिखते हैं उनको कंबल दिया जाएगा और रैन बसेरा भी देखा जाएगा। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो खुले में सोए, अगर ऐसा कोई भी है तो रैन बसेरा में जाके सोएं और शीतलहरी और ठंड से अपना बचाव रखें। और इसी के साथ मैं सभी लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि कोविड का ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट इंडिया में पाया गया है, इसलिए पुनः सब लोगों से मेरा अनुरोध है जिला पदाधिकारी के नाते सहरसा में कि सभी लोग पुनः मास्क का उपयोग करना शुरू करें और प्रयास करें अब पुनः अपने जो जीवन प्रणाली है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का और जो कोविड के जो अन्य गाइडलाइन है उसको अपने जीवन में उतारना प्रयास शुरू करें, क्योंकि BF7 वेरिएंट के कुछ हमारे जो हैं पेशेंट्स मिले हैं जो जिनको ये वायरस है, तो अब हमें सतर्कता हमारे हाथ में हम सबको रखना चाहिए और शीतलहरी से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है प्रशासन उनके साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद।